हेलो एवरी वन नाउ वी विल कंटिन्यू चैप्टर थर्टीन ऑफ हिंदी ग्रामर बुक सो स्टूडेंट्स कम ऑन पेज नंबर एट लुकेट योर बुक केयरफुली स्टूडेंट्स आपको यहाँ वाक्य के भेद दिए हुए हैं जैसे कि आपने लास्ट वीडियो में डिस्कस करा कि वाक्य के दो भेद होते हैं तो आपका यहाँ दिया हुआ है फर्स्ट रचना के आधार पर वाक्य भेद रचना के आधार पर वाक्य तीन प्रकार के होते हैं नंबर वन सरल वाक्य नंबर टू संयुक्त वाक्य नंबर थ्री मिश्रित वाक्य देखिए फर्स्ट दिया हुआ है आपको सरल वाक्य जिस वाक्य में एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है उसे सरल वाक्य कहते हैं जैसे फर्स्ट आपका शिवम पूजा कर रहा है शिवम यहाँ पर हुआ उद्देश्य और पूजा कर रहा है आपका क्या हुआ विधय सी टाइप से, से आपको दिया हुआ है राजीव रोज व्यायाम करता है तो राजीव आपका यहाँ हुआ उद्देश्य और रोज व्यायाम करता है आपको हुआ विध है थर्ड है आपको का दिया हुआ मोर जंगल में नाचने लगा तो मोर आपका हुआ यहाँ उद्देश्य और जंगल में नाचने लगा हुआ विध है so, सो ये था आपके सिंपल सेंटेंसेस सरल वाक्य अब सेकंड है आपका संयुक्त वाक्य संयुक्त वाक्य देखिए संयुक्त का अर्थ होता है जुड़ा हुआ जब कोई वाक्य दो वाक्यों वाक्यों को योजक या बोधकों की सहायता से जोड़कर बनाया जाता है तब वे वाक्य संयुक्त वाक्य कहलाता है संयुक्त वाक्यों में वाक दोनों वाक्य अपना स्वतंत्र महत्व रखते हैं, जैसे हम साइकिल से जाएं या पैदल चलें तो इसमें दो सेंटेंस ज्वाइंड हुए हैं हम साइकिल से जाएं या पैदल चलें। दोनों अपना अपना महत्व रखते हैं देखिए सेकेंड है रानी बाजार गई है और मिंटू घर पर सो रहा है इसी टाइप से ठर्ड दिया हुआ है मेरे सहपाठी नेक और ईमानदार हैं। थर्ड है आपका मिश्रित वाक्य मिश्रित का अर्थ होता है मिला जुला ऐसा प्रधान वाक्य जिसमें एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य जुड़े हों वाक्य कहलाता है जैसे फर्स्ट दिया जाऊंगा सेकंड है मेरी फ्रॉक वह है जो नीले रंग की है थर्ड है आप क्या यदि पिताजी की बात मान ली होती तो ये दशा न होती स्विस्टैंड मिश्रित वाक्य जैसा कि आपको समझ में आ गया कि आपका एग्जाम्पल दिया हुआ है सागर ने कहा कि मैं आज विद्यालय नहीं जाऊंगा मिश्रित वाक्य मिले जुले वाक्य उन्हें मिश्रित वाक्य कहते हैं सो स्टूडेंट्स वी विल स्टॉप है एंड वी विल कंटिन्यू दिस चैप्टर इन नेक्स्ट वीडियो थैंक यू सो मच